पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मुंशीगंज स्थित एम्स हॉस्पिटल में L3 हॉस्पिटल की स्थापना की। आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल के जरिए रेल कोच फैक्ट्री के L2 अस्पताल से रेफर किए गए कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। एम्स के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने बताया कि एम्स की पुरानी OPD में सबसे पहले मरीजों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद मरीज को हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से बेड तक ले जाया जाएगा। अभी तक कुल 50 बेडों के साथ इसे शुरू किया गया है। हमने शुरू किया है केवल 50 बेड के साथ। इसमें 38 ऑक्सीजन बेड हैं और 12 ICU के बेड हैं। इसमें हम डायरेक्ट किसी को नहीं लेंगे। जो भी लोग आएंगे वो जिला अस्पताल के CMO से रेफरल करा के आएंगे और तब हम उन्हें लेंगे। हमारे पास हरेक तरीके के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। एनेस्थेटिक सर्जन, फिजिशियन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि इन लोगों का जो भी मरीज यहाँ दाखिल होंगे उनके टेस्ट करेंगे और उपचार करेंगे। सब तरीके के प्रबंध कर लिए गए हैं, खाने से लेके ऑक्सीजन तक। और यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए बड़ी एडवांस मॉर्चरी भी है। आगे और बढ़ाया जाएगा, इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। बढ़ाने का जब ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई ठीक हो जाए तो हम देखेंगे कितने बेड बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है मैन पावर, डॉक्टरों की उपलब्धि भी ज़रूरी है। अगर डॉक्टर और आ जाएंगे हमारे पास, नर्सेज और आ जाएंगी, पैरामेडिकल स्टाफ और आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे बेड बढ़ाने की। हम लोगों ने इसके विषय में एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं तो आज भी देखेंगे नर्सेज आ गई हैं कुछ, बाकी स्टाफ जो आएगा उसके आने के पश्चात ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी कितना स्टाफ है आपके यहाँ कोविड के लिए? ऐसे कोई गिनती नहीं है हमारे पास। जितना स्टाफ 50 बेड के लिए थे उतना स्टाफ है। क्या सौ का अंतिम संस्कार भी नहीं कराया जाएगा आस पास? आस पास क्या डिस्पोज भी किया जाएगा डेड बॉडी? वो CMO के थ्रू जैसे मर्जी रेफर हो गया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।